वेटरनरी कॉलेज इन महाराष्ट्र फर्स्ट इज नागपुर वेटरनरी कॉलेज सेकेंड इज बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज थर्ड इज़ के एन पी कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज विच इन शिरवर सातारा कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस विच इज इन परबनी एंड कॉलेज ऑफ वैटररी एंड एनिमल साइंसिस विच इज़ इन उदगीर सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैं बताती हूँ नागपुर वेटरनरी कॉलेज का है एट्टी प्लस ट्वेंटी कपैसिटी इनटेक तो वी सी आई काउंसिलिंग में उनका ट्वेल्व टू थर्टीन मतलब ऑलमोस्ट पंद्रह सीट्स मिलेगी बॉम्बे वेटरनरी में वी सी आई काउंसिलिंग थ्रू पंद्रह सीट्स मिलेगी टोटल हंड्रेड सीट्स है बॉम्बे वेटरनरी में और यूनिवर्सिटी कोटा के एटी फाइव सीट्स है और के एन पी जो कॉलेज है जो सातारा में है उनका सिक्सटी प्लस फिफ्टीन परसेंट इनटेक कपेसिटी है और यूनिवर्सिटी कोटा इज़ फिफ्टी वन प्लस थर्टीन और वी सी आई काउंसिलिंग नाइन प्लस टू मतलब इलेवन परभनी परभनी का कट ऑफ कट ऑफ नहीं सॉरी uh, परभनी में जो कॉलेज है उनका एटी प्लस ट्वेंटी इनटेक कैपेसिटी है सिक्सटी एट प्लस नाइनटीन सॉरी सेवनटीन यूनिवर्सिटी कोटा है मतलब जो मैंने बोला था ना कि जो बस यूनिवर्सिटी की जो पास में रहते हैं उनके लिए रिजर्व रहते हैं वो और फिर वी सी काउंसिलिंग का देखा जाए तो ट्वेल्व प्लस थ्री मतलब पंद्रह सीट्स गोवा के लिए भी कुछ कुछ रिजर्व है क्योंकि गोवा अपने यूनियन टेरिटरी में आता है आता है ना उफ, गलत हो गया तो सॉरी कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसिस इन उदगिर, सो सिक्सटी वन प्लस सिक्सटीन सीट्स आर ऑफ इंटेक कैपेसिटी यूनिवर्सिटी कोटा के फिफ्टी फोर प्लस फोटीन और अपना वी सी आई कोटा के थ्रू ट्वेल्व सीट्स है, सो टोटल देखा जाए तो थ्री एटी फोर प्लस सेवेंटी वन मतलब ऑलमोस्ट फोर फिफ्टी के आसपास, पास फोर सिक्सटी के आसपास सीट्स है हाँ तो बस 460 सीट्स है वेटरनरी के लिए इन महाराष्ट्र अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत कम लोग चूज़ करते हैं मतलब ये फील्ड वगैरह बट जस्ट थिंक अबाउट इट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है आपकी फ़ीस भी मिनिमल होंगे और मैंने सारे कॉलेजेस के फीस देखे सबसे ज़्यादा मुंबई का ही है ऑफकोर्स क्योंकि मुंबई में लिविंग कितना महंगा है आप सबको पता है और बाकी सबका तो बहुत ज़्यादा सस्ता है मतलब टोटल अगर आप पाँच साल के फ़ीस देखोगे तो ऑलमोस्ट रह, रह कर लाख के अंदर आपका हो जाएगा चार लाख भी आई गेस तीन तीन सवा तीन लाख में हो जाएगा आपका अगर आप मतलब एक इफ यू आर रनिंग ऑन अ बजट और या फिर इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ मुझे नहीं चाहिए मेरे पेरेंट्स का ज्यादा खर्चा हो मेरे स्टडीज के ऊपर तो सीरियसली आपका रह खा पी कर सिर्फ आपका जो खर्चा होने वाला है वो रूम सेटअप और ट्रैवलिंग में होगा अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हो या फिर किधर दूर से आ रहे हो बट द फीस आर लिटरली मिनिमल क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज है सो दैट्स एट होप यू गाइज इन्जॉयड दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड बहुत सारे प्यारे प्यारे, प्यारे कमेंट्स छोड़ो बताओ कि आपको और कैसे और क्या क्या टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं वैसे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूंगी थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग योर ईयर्स एंड बाय बाय